अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह आप सब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह माई के सामने कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर से ही होंगे और बिल्कुल ठीक हों अल्लाह का शुक्र। तो मैं भी आ रही हूँ इधर पोटैटो ब्रिंजल। पोटैटो ब्रिंजल किस किस को पसंद है उसके लिए पहले मैंने प्याज को चॉप करके इसको ब्राउन कर लिया है। ब्राउन करने के बाद जो है मैं बैंगन जो है वो मैं कटिंग कर रही हूँ। अगर आप जो है ये बैंगन के ऊपर से ये छिलके जो हैं वो उतार लेते हैं तो अच्छी बात होती है, क्योंकि मेरी मम्मा कहती थी कि गर्म होते हैं तो ये उतार लेना ही बेहतर होता है गर्मियों में, इसकी तासीर जो है वो ठंडी हो जाती है इस तरह से। तो मैं जब भी बनाती हूँ मम्मा की कई बात पर अमल करती हूँ। अल्लाह ताला मेरी मम्मा की हर बात पर कही मुझे अमल करने की तौफीक फरमाए, आमीन। और मेरी मम्मा को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। बैंगन तो आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहे हैं तो और जो है इसमें मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी बना लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, बनाया ही मैंने थोड़ा सा। तो जब तक प्याज ब्राउन होते हैं जब तक हम जो है बैंगन कर लेते हैं। बस आज मैंने स्पीड लगानी है किचन में क्योंकि फिर मीना भी आने वाली हैं, मीना सादिया तो फुल एंजॉय होने वाला है। हो सकता है मैं बाज़ार जाऊं या हो सकता है हम घर पे गॉसिप करें। और मैंने जो है नया बिज़नेस स्टार्ट किया है गारमेंट्स का, मुझे बहुत शौक है गारमेंट्स का काम करने का। और इंशाल्लाह अगर मेरी कोई बुटीक बनी तो उसका नाम मैं रखूँगी फातिमा कलेक्शन और मैं अपना नाम भी चेंज कर रही हूँ। जो है मैंने पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था, सोचा था कि जल्दी से ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे लेकिन नहीं हुए। अब ये अल्लाह ताला को मंजूर है, क्या पता अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर लिखा हो जो नहीं हुए। तो मे भी मैंने फिर गारमेंट्स का काम शुरू कर लिया है तो अब देखते हैं कि अल्लाह ताला इसमें कितना साथ देते हैं। प्याज मेरे जो है अभी वो हो रहे हैं ब्राउन। और दूसरी साइड पे जो है अभी वो मैं आटा भी गूंद रही हूँ। आटे को मैंने इस तरह से करके रख लिया, फिर बाद में जो है मैं वो इसको गूंद लूँगी। अगर इस तरह करके रखते हैं तो फिर हमें इतनी गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है इसमें और अब मसाले ऐड करूँगी मैं। ये टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया है, चीज़ें नहीं डलती हैं बस जस्ट हल्के से मसाले डलते हैं मसाले को। इसमें जो है ये मैं मिर्चें डालूंगी, दोनों मिर्चें मैंने मिक्स की हुई हैं साबुत और दूसरी भी। 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी जो है सूखा धनिया एंड सॉल्ट नमक और इसको अच्छे से बनाई कर लेंगे हम। अभी इसमें मैंने अचार भी ऐड करना है, अचार या इमली डाल के बनाएंगे ना आप। आलू बैंगन तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं जी। मैं अचार ऐड करने लगी हूँ। मसाला जो है वो रेडी हो गया है ना। मेरे हाथ के आलू बैंगन सबको बहुत पसंद आते हैं, पता नहीं क्यों, इस वजह से कि मैं बनाती अच्छी हूँ शायद। तो बस अब इसको मैं लगूँगी दम पे और इतने जो ये आटा मैंने गूंदा होता है इसको मुक्की लगा लेते हैं। मैं रेस्ट करने लगी थी, मोबाइल भी चार्जर पे लगा दिया था और अब जाके देखती हूँ कुकिंग। अरे मेरा बेटा आया नहीं, टाइम मिरर में देखते रहते हैं। क्या देखते रहते हो हर टाइम, आप ज़्यादा ही प्यारे हो। हम्म,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इसकी, ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े के लगेंगे। अगर इसमें मैं थोड़ी सी इमली डाल देती तो फिर और भी ज़्यादा प्यारे हो जाते, और भी ज़्यादा मज़े के हो जाते। तो बस फ़िलहाल इतना ही, और ये जो धनिया बनाया था ये भी इस पर ऐड कर देते हैं। तो ये मेरी हांडी तैयार हो गई। तो इसके साथ ही करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, प्लीज़ दुआ में याद रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।